नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फ्रैक्चर में इन हिंदी में। दोस्तों, इस चैनल पर हम विविध जानकारियाँ लेकर आते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेरिकोरोनाइटिस के बारे में। यह एक दंत विकार है जो जब होता है जब आपकी अकलदान आती है और उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि अधिकतर लोगों को अकलदान निकलते हुए काफ़ी सारी तकलीफ़ों को सामना करना पड़ता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि पेरिकोरोनाइटिस क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, और इसके कुछ घरेलू उपाय के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरिकोरोनाइटिस एक दंत विकार है जिसमें दांत के समीप स्थित मसूड़ों के ऊतकों या कोई जो दांत बाहर निकल रहा है उसमें सूजन आ जाती है और वो संक्रमित हो जाता है। आमतौर पर यह विकार अकलदान आने पर होता है, और जो कि दांतों का आखिरी इस तीसरा समूह होता है। अधिकतर लोगों को या किशोर अवस्था के अंत में या आयु के दूसरे दशक की शुरुआत में यह निकलती है। जब किसी व्यक्ति की अकलदान इतनी जकड़ी हो कि वो बाहर ना निकल सके, जिस दांत का मसूड़ा से बाहर निकलना शुरू ही हुआ हो और वो मसूड़ों के ऊतकों से बाहर निकली हुई एक ऐसी रचना बना देते हैं जिस पर आसानी से भोजन के कण और अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, जो जीवाणुओं के लिए उचित स्थान मिल जाता है और वो उस पर आक्रमण करके उसको संक्रमित कर देते हैं, जिसके कारण से आपके मुंह में कई सारे दर्द, सूजन या अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि आपके यदि आपको पेरिकोरोनाइटिस हो रहा है तो आपके दांत पर दर्द, संक्रमण, मसूड़ों में ऊतक का सूजन होना, मुंह से दुर्गंध आना या आपका मुंह का स्वाद भी बिगड़ा हुआ सा लग सकता है। साथ ही दांत के निकट मसूड़ों से पीप भी निकल सकती है, या इसके अलावा गर्दन की लशिका ग्रंथियों में सूजन हो सकती है। इसके साथ साथ मुंह खोलने में कठिनाई आती है और मसूड़ों के ऊतकों में लालिमा और पीड़ा का अनुभव होता है। साथ ही इसके आपको हल्का बुखार भी हो सकता है, सामान्य रूप से आपको अच्छा नहीं लगता है। तो यह इसके कुछ लक्षण थे जो अकलदान आते समय से आपको इन लक्षणों दिखाई देते हैं, और यह सारी तकलीफ आपको हो सकती हैं। इसका कारण क्या है? यह एक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न संक्रमण है जो कि कई कारणों से उभर सकता है, जैसे कि अकलदान के ऊपर स्थित मसूड़ों के नीचे भोजन कणों का फंस जाना या जम जाना, जिससे सड़न उत्पन्न होने लगती है और मवाद बनने लगता है। इसके अलावा विपरीत सिरे पर स्थित अकलदान द्वारा दांत के ऊपरी सिरे पर लगी हुई चोट भी इसका एक कारण हो सकती है। इसके अलावा उस क्षेत्र में कमज़ोर स्वच्छता या क्योंकि दर्द होता है इसलिए हम वहाँ पर सही से ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो स्वच्छता का अभाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और मुंह और गले में किसी तरह का यदि कोई और संक्रमण हो तब भी आपको अकलदान निकलते समय इस तरह का संक्रमण या पेरिकोरोनाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसकी जांच और परीक्षण करने के लिए आपको इन लक्षणों को देखना चाहिए। रोग का निर्धारण यदि आपके सूजे हुए मसूड़ों का परीक्षण करें, और कभी कभी डॉक्टर को आप दिखाते हैं तो वो आपको एक्सरे कराने की सलाह भी दे सकते हैं, जिससे इस रोग की सही अवस्था का पता लगाया जा सकता है। अब यह स्थिति कितने दिनों तक हो सकती है या उपचार के बाद यह कितने दिनों में सही हो जाती है, इस पर बात करें तो उचित उपचार और प्रबंधन द्वारा यह लगभग एक सप्ताह में आपकी स्थिति बेहतर हो जाती है। हालांकि आंशिक रूप से बाहर निकला हुआ दांत यदि मुँह में सही से नहीं प्रवेश कर पा रहा है और भोजन के अपशिष्ट पदार्थ और बैक्टीरिया का उस पर आक्रमण हुआ है, तो इससे आपको पेरिकोरोनाइटिस दोबारा से इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। चलिए अब आप इसके बारे में घरेलू उपचार के बारे में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यदि यह तकलीफ़ है तो आपको कैसा आहार लेना चाहिए। आमतौर पर आपको नरम आहार और तरल पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपको भोजन को निगलने में आसानी होगी और दर्द भी कम होगा। और साथ ही आपको जो भोजन लेना है उसमें मसालेदार नहीं होना चाहिए, और शराब और तंबाकू का सेवन ना करें तो बेहतर है।
अब घरेलू उपचार की बात करें तो इसके लिए आप एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और अपने मुंह में अच्छी तरह से इसको भर लें और घुमाएं, क्योंकि इससे आपके जो मसूड़े हैं या दांत में जो दर्द है उससे आपको आराम मिलेगा। साथ ही जकड़े हुए दांत वाले स्थान के समीप आप गाल पर तौलिया को में बर्फ़ रखकर आप 5 मिनट तक उसकी सिकाई कर सकते हैं। यह आपकी सूजन को कम करेगा। मुंह की स्वच्छता पर आप अच्छे से ध्यान दें। आप इसके लिए फ्लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके मसूड़ों से पीप निकल रहा है जिसके कारण आपकी सांसों में बदबू आ रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा दांत, जबड़ा या गाल सूज गए हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द है तब आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। जबड़ों को खोलने में कठिनाई और मुंह से दुर्गंध आने यदि अधिक है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि आपको पेरिकोरोनाइटिस जैसा इन्फेक्शन ना हो। इसको रोकने के लिए आप कभी भी जिसकी भी ये अक्लदान निकल रही है उसके मुंह की स्वच्छता पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि यह निश्चित हो सके कि आपके जो मसूड़ों के नीचे भोजन के कण इकट्ठे हो जाते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन होता है, जीवाणु हो जाते हैं, वो ना हो। यदि आपकी अक्लदान निकल रही है और आपको हल्की सी भी तकलीफ हो रही है तो आपको उसकी स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि आपके कारण दर्द और सूजन बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क अवश्य करना चाहिए। तो यदि अक्लदान में होने वाले दर्द के कारण और निवारण, आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लाते रहें, और साथ ही शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके।